नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। आज करवा चौथ महिलांसाठी खूप महत्वाचा सण। यंदा कोरोना महामारीमुळे सर्व महिला एकत्र येऊन हा सण साजरा करू शकत नाही, त्यामुळे महिलांमध्ये थोडी नाराजी आहे। अश्विन महिन्यात येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीला करवा चौथ व्रत हे देखील केले जाते। अनेक राज्यांमध्ये हे व्रत सवाशिणींसाठी विशेष मानले जाते। या दिवशी स्त्रिया दिवसभर उपाशी राहून अर्थात निर्जल राहून आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी तसेच सुख समृद्धीची प्रार्थना करतात। या दिवशी संध्याकाळी चंद्राची पूजा करून उपास सोडला जातो। यंदा कमी उत्साहात हा सण साजरा केला जात आहे, पण महिलांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत करवा चौथची पूजा केली। आज भाजप युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सुनील सुतार यांच्या पत्नींनी देखील सुनील सुतार यांच्या दीर्घायुष्यासाठी आज करवा चौथचे व्रत ठेवले आहे। जाणून घेऊया बिंदिया सुनील सुतार यांच्याकडून त्यांनी यंदा कोरोना महामारीमुळे हा उत्सव कसा साजरा केला आहे। यावेळी सुनील सुतार यांच्यासह बिंदिया सुनील सुतार, बॉबी शिंगटे, विकास शिंगटे उपस्थित होते। पहले तो सबको हैप्पी करवा चौथ, और हर साल हम सुबह उठते हैं, सरगी खाते हैं, फिर इस दिन के लिए काफ़ी शॉपिंग होती है। इस बार हमने बाहर जाके नहीं बल्कि खुद ही टेलर को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रख के शॉपिंग की है, और फिर मेहंदी लगाते हैं, और फिर पूरा दिन निर्जल रहते हैं, और बिना खाना पीना खाए हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं, कथा करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर अब जब रात को चांद आता है तब पानी पी के पति की पूजा करके खाना खाते हैं, और पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। आज करवा चौथ के अवसर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आज हमारे मित्र विकास जी शिंगटे के घर पे मेरी वाइफ बिंदिया सुतार और उनकी वाइफ बॉबी शिंगटे के समवेत यहाँ पे करवा चौथ का जो पूजा होती है वो संपन्न हुई है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ, ये हमने बहुत कम लोगों के साथ, जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे लेडीज़ थी, बस इस बार क्योंकि पूजा देखो जो हिंदुस्तान है यहाँ पे हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल है, जो कल्चर यहाँ की स्त्रियों ने जो रखा है, जो कल्चर देखा जाए, जो संस्कृति हमारी है, पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति की तारीफ लोग करते हैं। आज 21st सेंचुरी में हम है, फिर भी आज की नारी ये कल्चर भूली नहीं है, इसका हमें गर्व है। नारी ये अर्धशक्ति होती है, आज अगर हम बाहर जाके कुछ काम करते तो इनका हमको बहुत सहयोग होता है, एक ताकत है नारी। आज धरती माँ भी एक नारी का ही स्वरूप है, एक त्याग का स्वरूप है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस तरह हमारी पत्नियाँ हमारे लिए व्रत रखती है, हमारे लंबी आयु की कामना करते हैं, और मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे विकास शिंगटे जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे ये प्रोग्राम अरेंज किया। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राठौड़ सह मोनिका गोटेकर, नवी मुंबई आवाज़।